होती है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, अदरक डालो तो इलायची ये दे वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आप ही लिए हैं चिकन लेग बिरयानी। इसमें हमने पानी में नमक डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल, ये हमने डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, फिर हम इसमें, मैंने चावल धो के भिगो कर रख दिए हैं और फिर हम उसको डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छी तरह उबलने देते हैं। हम एक बार चावल चेक कर लेते हैं कि पके हैं कि नहीं पके हैं। देखिए अभी तो बहुत सख्त है, अभी 10 मिनट और लगेंगे इनको पकने में। तक चावल पकते हैं तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे घी, ऑयल डालते हैं मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ये डाल देते हैं अपने गरम मसाला सब, इसको फ्राई करते हैं। हमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, हम और डाल लेते हैं इसमें ऑयल। हमारा मसाला फ्राई हो गया, अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमने लेग बिरयानी पका रहे हैं, इसलिए हमने चिकन की सारी लेग्स इकट्ठी कर ली हैं, ले ली थी बाजार से। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम बाकी लवाजमात डालेंगे और साथ साथ हम अपने चावल भी देख लेते हैं। हमारे चावल लगता है बॉयल हो चुके हैं। हाँ जी, अब हम इनको उतार के निथार लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। हल्का सा भूनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं साथ ही टमाटर और हरी मिर्चे, और साथ हम डालेंगे मसाले।
नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अब हम इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं बिरयानी मसाला। हमारे मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसमें हम डालेंगे इमली जो मैंने काफ़ी देर पहले भिगो कर रखी हुई थी, और साथ हम डाल देंगे लेमन जूस। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। तैयार हो चुका है मसाला। अब हम इसको उतारते हैं और अपने चावल चूल्हे पर रखते हैं। अब हम इसमें फूड कलर डाल लेते हैं और दम। अब हम आधे घंटे के लिए दम पे रख देते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बंद करता मैं। ओजी। मैं जाके करा लेवा। सिलेंडर कोई पता नहीं कितना बड़ा जरूर है। अब हम ऐसी है। Mm-hmm.